बहुत सारे लोगों में ये जानने की लालसा होती है कि ज़ीरो कैलोरी फूड क्या होता है, क्या कोई ऐसा फूड है या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें ज़ीरो कैलोरी होती है। ये ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनमें मौजूद फाइबर, पानी और अन्य पोषक तत्व डाइजेस्ट होने के बाद उनमें मौजूद पूरी की पूरी कैलोरी को खर्च कर लेते हैं और जिस कारण उस फूड का जो अंतिम कैलोरी बचता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो ज़ीरो कैलोरी फूड के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहला जो फूड है वो है पपीता। पपीता हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनमें मौजूद आपके मल्टीविटामिन्स, फाइबर और आपके मिनरल्स अपने आप में लगभग सारे के सारे पोषक तत्वों को रखता है ये। और तो और इनमें मौजूद फाइबर और पानी जो है वो अपनी पूरी की पूरी कैलोरी को खर्च कर लेने की क्षमता रखता है। 100 ग्राम पपीते में आपको लगभग 43 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और ये आपके पेट को ठीक रखने में, आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने में, आपके बाल को हेल्दी रखने में और साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने में मदद करता है। दूसरा फूड आइटम है बीटरूट। बीटरूट में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हर एज ग्रुप के पर्सन के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तीसरा जो फूड है वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन यानी कि तरबूज में काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी और फाइबर पाया जाता है, ये हम सब देखते हैं और समझते हैं, लेकिन इनके साथ ही इसमें आपका पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है जो कि आपके हार्ट को हेल्दी बनाता है, आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है, साथ ही साथ आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। 100 ग्राम तरबूज में आपको लगभग 30 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब भी तरबूज का सीज़न हो इसका सेवन ज़रूर करें। चौथी चीज़ जो है वो है गाजर। गाजर में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है जो कि आपके आंखों के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ हम जब भी इसे खाते हैं हम देख पाते हैं कि इसमें फाइबर काफ़ी अच्छा होता है। तो और 100 ग्राम गाजर में आपको लगभग 40 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इसे जब भी आप सलाद खाएं आप इसका सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा जो पाँचवीं चीज़ है वो है आपका हर्बल टी, काढ़ा, चाय। इनमें अपने आप में कोई भी ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन यदि आप इसमें दूध, चीनी वगैरह ऐड करते हैं तो वो आपकी कैलोरी में कन्वर्ट हो जाता है। अगले फूड ऑप्शन से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। छठवां जो फूड ऑप्शन है वो है टमाटर। टमाटर में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और लाइकोपिन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि कैंसर से, हार्ट डिजीज़ से और साथ ही साथ वेट लॉस जैसी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और टमाटर का सेवन हर भारतीय के परिवार में होता है। तो आप इसे सलाद के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में या सब्जी के फॉर्म में जैसे पसंद आता हो वैसे लीजिए। 100 ग्राम टमाटर में आपको लगभग 17 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगला फूड ऑप्शन जो है वो है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे कि पालक, चौलाई, आपके सलाद पत्ता, मेथी। इन सब में आप आश्चर्यचकित होंगे कि सिर्फ 7 से 15 कैलोरी तक की ऊर्जा होती है और पोषक तत्वों में आपको जिंक, विटामिन सी, फाइबर जैसे बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो अलग अलग बीमारियों से हमें बचाने का काम करते हैं। अगला जो फूड ऑप्शन है वो है खीरा। खीरा लगभग हर व्यक्ति के घर में एज अ सैलड यूज़ होता है। खीरे में पानी, फाइबर, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और 8 कैलोरी होती है 100 ग्राम खीरे में। इसके अलावा पत्ता गोभी जो है उसमें कैल्शियम, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से रोगों से बचाने का काम करते हैं। 100 ग्राम पत्ता गोभी में सिर्फ और सिर्फ आपको 21 कैलोरी की प्राप्ति होती है। तो यदि आपका पर्पज़ वेट लॉस है या अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है तो पत्ता गोभी का सेवन ज़रूर करें। आखिरी जो फूड ऑप्शन है वो है आपका मौसमी। मौसमी आप जूस के फॉर्म में हर कोई जानता है, लेकिन अगर आप साबुत मौसमी खाते हैं तो आप अपने शरीर में पोटेशियम, विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसे साबुत खाने की आदत डालिए जिससे कि आप अपने आप को मोटापा, ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधी समस्याओं से दूर रख पाएंगे। 100 ग्राम मौसमी में आपको लगभग 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन फाइबर रिच होने के कारण ये अंत में लगभग ज़ीरो ही बचता है। तो इसे ज़रूर अपने डाइट में ऐड करिए। तो आशा करती हूँ कि ये जो जीरो कैलोरी डाइट की या जीरो कैलोरी फूड आइटम्स की जो लिस्ट है वो आपके वेट लॉस या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम या अगर अपने मील प्लान के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं वीडियो बनाएँ तो उसे भी कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।